खुश आमदीद कहते हैं, उम्मीद करते हैं आप जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे और फाइन शाइन होंगे। तो भैया हम भी फाइन शाइन ही हैं, जाहिर है जो होना था वो हो गया है। अब उस पर कल थोड़ी सी काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही थी क्योंकि पाकिस्तान कल बहुत ही बुरी क्रिकेट खेला, बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में देवर हॉरिबल, देवर एब्सोल्यूटली हॉरिबल। और काफ़ी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान की पुअर इंटेंट को कि क्या पाकिस्तान T20 जिस तरह क्रिकेट खेलना चाहिए उस तरह खेल रहा है, खास करके बैटिंग को लेके। और एक के बाद एक हमारे पास खिलाड़ी भरे पड़े हुए हैं कि जो कि आउट ऑफ फॉर्म बोल रहे हैं या वो सूट नहीं कर रहे हैं, उनका जो खेलने का स्टाइल है वो T20 से हम आहंग नहीं है। जनाब हमारे रिजवान साहब पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो कि ठीक है, जस्टिफाइड है कि जब आप 49 गेंदों पे 55 किया और इफ्तिखार ने कोई तो 29 गेंदों पे 31 किया। कल आपको बताया था रात की वीडियो में 80 गेंदों पे 87 रन दोनों ने किए हैं और आप 171 चेज कर रहे हैं, तो आप फिर पीछे ही रह जाएंगे, हमेशा आप शॉर्ट ही रह जाएंगे। और बात यह है कि इंटेंशंस की बात है, अगर आप अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलें तो 58 पे 5 आउट होने के बाद भी 170 को छू लेते हैं, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो फिर आप बस वन डे स्टाइल में खेलते रहें आप एंड तक, और एंड पे जाके फिर छोड़ दें जनाब नीचे वालों पर कि जनाब वो कोई 15 ओवर पर रन पर ओवर के हिसाब से 4-5 ओवर खेल के जाएं। काफ़ी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है, वी विल बी टॉकिंग ऑन इट। साथ में जनाब सकलैन मुश्ताक साहब ने जो बातें बोली हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर भी थोड़ी बात कर लेंगे। वो सवाल हुआ शुएब मलिक वाले ट्वीट पे कि यार ये सेल्फिश वो कुछ ऐसा लाइक्स और डिसलाइक्स वाला, तो दोस्ती वाला, तो वो कह रहे हैं कि जनाब दोस्ती रखना तो अच्छी बात होती है, हर किसी से दोस्ती रखनी चाहिए, लेकिन वो उसका डायरेक्ट जवाब देने से उन्होंने वो कोई गुरेज ही किया है भैया। साथ में रमीज़ राजा साहब ने, वो कल जो स्पोर्ट्स तैयारी वाले दोस्त हैं हमारे, उधर मुलाकात भी उनसे जब जब भी हम गए हैं मुलाकात रही है, तो वो काफ़ी मतलब चल रहा सोशल मीडिया पे कि वो ऐसे उनका मोबाइल ही ऐसे नीचे कर दिया, जो कि मुनासिब रवैया नहीं है भाई। आपने बात करनी है करें, नहीं करनी ना करें, लेकिन ये दिस इज़ नॉट द वे कि आप ऐसे पकड़ के जनाब वो मोबाइल ही नीचे कर दें दूसरे का, और उस पर ही बात करेंगे। और साथ में आज जैसे कि बात हो रही है कि शायद कि शाम को टीम इंडिया वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो भी अनाउंस कर दे, बैठ गए हैं, बैठक लगी हुई है बीसीसीआई, तो वो अब देखते हैं जी क्या सिलसिला बनता है। गंगुली जी तो यहाँ पे थे, कल वापस चले गए होंगे सर, गंगुली का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ना कोई बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी गंगुली ने फोन पे बता दिया होगा कि भाई जान, तो इस इन टॉपिक्स पे जरा गपशप होगी और हाँ जी नहीं पी होगी हर मैच से पहले आपका चेयरमैन बताता है ना। अमर अग्रवाल कहें जी, वन थिंग आई हैव नोटिस दैट वर्ल्ड क्लास बैट्समैन रिलाय ऑन टाइमिंग एंड बॉल, बट इन पाकिस्तान टीम एक्सेप्ट बाबर एवरीवन ट्राइज टू यूज देयर पावर। जी मोहसन भाई, हाँ जी पावर यूज करते हैं लेकिन पावर का कोई हासिल वसूल कोई नहीं है ना। हमजा खान जी कहें जी, ये रमीज और बाबर क्या किंग है जनाब, के एक टीम बर्बाद कर रहा है जो दूसरा मुल्क का नाम खराब कर रहा है जी, ये रमीज क्या जरूरत थी कि रोहित से बदतमीजी करने की, ये द शेम जी। हमजा खान जी, हाँ जी भाईजान मैसेज भी आगे सुबह सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो रिजवान हैदर, आप गवाह हैं, जब ये रमीज राजा को बनाया गया था चेयरमैन, मैंने उसी वक्त डाउट्स उठाए थे, मुझे कहा गया था आप हर एक उंगलियां करते हैं, आपको हर एक से प्रॉब्लम होती है, क्या हुआ, क्या है पता क्या आपको क्या हुआ? ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान हार गया फाइनल, क्योंकि सेमीफाइनल में ये आया था उस वक्त भी आप हार गए थे। आपको पता है क्या हुआ, रमीज राजा को मिर्ची क्या लगी है? जी। क्या नोट किया आपने, मुझे बताएं, आप स्टेडियम में मौजूद थी, आपके ख्याल में ये जो किया रमीज ने, ये ना मुझे बताइएगा कि वो है ही ऐसा है वैसा है दिमकाना है, ये ना कहें हुआ गया है, पता है आपको रमीज राजा ने ये क्यों किया? क्यों? तो सुने आप सारे, जिन जिन्होंने टीवी पे मैच देखा, जिन जिन्होंने मोबाइल पे मैच देखा, जिन जिन्होंने, अब ये बात सब उठाएंगे जो बात मैं करने जा रहा हूं ना, टाइमिंग नोट कर लेना, इससे पहले किसी ने किया या नहीं किया। तो कल हुआ ये है कि आपके जो सुपर से ऊपर इगोइस्ट रमीज राजा जो कहता है मैं ये रमीज, ये नवाज शरीफ भी कहा करते थे मैं, ये जो तोते की तरह मैं करते हैं ना, इस तोते की बड़ी ईगो होती है जो खम रहा गया। हुआ ये है कि कल कई दफा टीवी पे फ्लैश हुआ, अभी ट्विटर पे भी है, लेकिन कोई बंदा वो पॉइंट नोट नहीं कर सका जो पॉइंट है असल में।
कि सौरव गांगुली बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बैठे हैं। लोग कह रहे हैं बीसीसीआई और पीसीबी का प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। लोगों ने यह नहीं देखा कि सौरव गांगुली फ्रंट रो में है, रमीज राजा बैक रो में है। अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अभी मैच चालू था, अभी पाकिस्तान के हारने का दूर दूर तक कोई इम्कान जिसको समझ थी नहीं था, जिसको समझ नहीं थी या जो देखें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी की रीडिंग गलत है, रीडिंग सही भी हो, यानी पाकिस्तान मैच में था, हम इसको आसान कर लेते हैं, ऐसा नहीं था कि यह बात सच है। पाकिस्तान वॉज वेरी मच इन द गेम जब तक मैच चल रहा था। अब यूं कह लेना 147 पे वहीं से हमारा सफर स्टार्ट हुआ, 147 अगेंस्ट इंडिया, वहीं पे हमारा सफर खत्म हुआ, ऑल आउट 147 अगेंस्ट श्रीलंका, ऑल आउट टाटा बाय बाय। रिजवान वो बैठा पीछे, बैक सीट पे बैठा, फ्रंट सीट पे बैठे सौरव गांगुली। तो भाईजान ये आपकी ईगो को बड़ी बुरी तरह लगा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही वो था। आप यहां बैठते हैं, मैं यहां बैठता हूं, लोग हमेशा कहते हैं यू आर राइट बट रिजवान सिट ऑन राइट। भाई ये राइट एंड लेफ्ट नहीं होता, कई दफा आप इधर होते हैं मैं उधर होता हूं। सो हां, होटल के कमरे में मेरा ख्याल है जब से हम बना रहे हैं शायद हम मैं इधर ही होता हूं। रमीज राजा की सख्त ईगो को ठेस पहुंची, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसको रिजवान साहब ये नेशन के लिए लिखता था, मैं बहुत अच्छी तरह इनको जानता हूं। ये जो ऊपर से इनकी मुस्कुराहट होती है उसके पीछे कितना वो होता है ये मुझे पता होता है। एक्चुअली इसको लगी, फिर देखें जर्नलिस्ट, आपने भी तो रोहित शर्मा से सवाल किया था, नहीं किया था भाई? उनकी टीम की सिलेक्शन पे, उनकी टीम के बैटिंग ऑर्डर पे आपका सवाल बनता था? वैसे कह रहा हूं, अगर वो आपको एज ए पाकिस्तानी लेता तो तुम कौन होते हो मेरे से पूछने वाले कि मेरी टीम, तुम अपनी टीम का बैटिंग ऑर्डर कह सकता था ना? एक बात है, कैसे कह सकता है? तो ये रमीज ने जो किया भाईजान, कॉन्फ्रेंस बैठा हुआ ऐसे तो भाईजान ये भी तो रमीज बार खड़ा टॉक कर रहा है ना? नहीं, नहीं, ना वो कह सकता था ना इसको कहना चाहिए था। आपको यही कह रहा हूं ना, और यार मैं एक मिसाल दे रहा हूं, और ये भी इसको देखे, आपको सारे सवाल का जवाब देना भी चाहिए, पूरा दोनों चाहिए, देना चाहिए, ऐसे बदमाशी से नहीं करनी। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि पहली आप पहली चॉइस थी रोहित शर्मा के पास, दूसरी चॉइस थी रमीज, जो मतलब होता है एक्चुअली होता है। देखें बात यह है, ये बात रोहित जुगलान की या एबीसीडी की नहीं है, ना इंडियन की है ना पाकिस्तानी की है। मैं बार बार एक बात कहता आया हूं कि ये जो टीम इसने रखी है ना मीडिया की, आपने कल नहीं देखा मीडिया सेंटर में समी बर्नी किन के साथ बैठा था? सिवाय दो तीन लोगों के वो किसी और के साथ बैठता है, उनसे निकलता है। आप मुझे बताएं, आपने एक मीडिया मैनेजर भी भेजा है, फलाना भी भेजा है, चले आप आ गए कोई बात नहीं। ये काम होता है मीडिया का, जो मैनेजर आता है, जो आपका डायरेक्टर मीडिया है, ये उसका काम था अपने चेयरमैन को किस तरह इंट्रोड्यूस कराना है जल्दी। और अगर उसने बात नहीं करनी थी ना, और आगे चला जाता, नहीं इफ ही डजंट वांट टू स्पीक ही कुड हैव सेड नो यार थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। ये कोई तरीका नहीं मोबाइल नीचे करना, इंडियन से हैं आप तो ये कहेंगे, ये गलत बात। कल कोई पाकिस्तानी सवाल कर देगा वो कहेगा आप पाकिस्तान से, आप तो ये बात कहेंगे। हम हालांकि रोहित ने बड़ी अच्छी बातें देखे हमारे साथ होता था, रीजनेबल बातें करता था। वैसे भी वो मुझे कह रहा था भाई जान आप जीत रहे हैं, मैंने कहा यार यू आर रनिंग टू फास्ट, अभी नहीं, अभी मैच बहुत लंबा है, मुझे नहीं लग रहा 170 पाकिस्तान। मुझे कह रहा था हार रहे हैं। अच्छा मुझे कह रहा था, वो उस वक्त विकटें गिर गई होंगी जब आपको कहा, तब दो ही आउट थे, वही ना विकटें गिर गई ना। मुझे उसने पहले कहा कि मोहसिन भाई आप जीत रहे हैं, मैंने कहा यार नहीं हम नहीं जीत रहे। एनीवेज मैं कहा मुश्किल हो गया। अफजल खान भी यही कह रहे हैं कि जी रात पूरी मैच देखा और एंड पे जाके ये मैच हार जाते हैं और क्या, और कह रहे जी गंगुली का गुस्सा रमीज ने जो ग्राउंड पे उतार दिया, उसको गुस्सा जो है सारा उतार दिया भाईजान। ये सौरभ कुमार यादव कहें जी 50 में 50 करना हो तो आज विराट और रोहित के T20 में 6,000 से 7,000 रन होते जनाब। इज इट क्राइम 50 बॉल 50 इन T20? 6,000 से 7,000 रन होते, ज्यादा होते। अगर आप कहते 20 25 50 100 होते तो ये बात समझ में आती। विराट के टूर्नामेंट्स में 60 रन नहीं हुए जनाब, 50 इन T20 आई, विराट के टूर्नामेंट्स में 60 रन नहीं हुए, ये आखिरी बात आपकी कोई समझ नहीं आई मुझे, ये क्या आप कहना चाह रहे हैं? लेकिन जाहिर है कि आप जब इस तरह सेल्फिश खेलेंगे तो रन तो फिर ऊपर आएंगे ही, 50 पे 50। बाबर आजम को भी ठीक ही क्रिटिसिज्म। अच्छा आपने कहना है छोड़ दिया, मैं भी नहीं कहता। हाँ। लाइक और सब्सक्राइब, अब देखिए 6,500 2,700 900 सिर्फ लाइक, फिर कहते जी हम इरिटेट होते हैं।
हम भी तो इरिटेट होते हैं कि इतनी मेहनत करना, आपके हुक्म पे यहां आए हुए हैं, यहां पे हर एक को इन्वॉल्व करते हैं, फैंस क्या दूसरे, हम हर तरह के देखें, हम कोई पिक एंड चूज नहीं करते। कल भी देखें कोई 35,000 कोई दोस्त साथ थे, लेकिन वीडियो आपने मर्जी से लाइक किया तो हमने भी आपको ज्यादा फोर्स नहीं, 6,500 जब देख रहे हैं या 35,000 जब देख रहे हैं, मुझे नहीं, मुझे ये समझाएं जब आप देख रहे हैं, चलें 10-20% नहीं लाइक कर रहे, नहीं पसंद आ रही होगी, हो सकता है 80% तो बनते हैं 25,000। तो वो एक्चुअली यार चले मान लेते हैं कि फैमिली वाले कुछ नाराज हैं, कुछ गुस्से में हम पे, मान लिया 5,000 तो लाइक हो ना 6,500 में, जो बातें आगे बताने जा रहे हैं वो ये मिस कर जाएंगे क्योंकि ये बातें कोई नहीं बताएगा। हाँ चोरी करेगा, डाका डालेगा गुफ्तगू पे। अच्छा कोई आप लाइक करें, लाइक करें आप वीडियो, देखें दोस्तों ने आपकी बात सुनी है और साथ ही शुरू हो गया सिलसिला। तो देखिए हम पिछले एक हफ्ते 10 दिन से छोड़, ये बात वही है, ये कहते हैं जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो ये अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप मर्जी है भाई आपकी, बस आपको याद दिलाना मकसद था। एनीवेज जी, दैट वाज नॉट द वे, अगर सवाल पूछा गया था या कोई बात तो आपकी जोर जबरदस्ती नहीं है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो नहीं बैठे जिसमें आपने यानी अक्सर जवाब देने ही देने। अब बोल देंगे यार नो कमेंट्स, मतलब मूड खराब है, मैच हार गए हैं, नो कमेंट्स, सही है, गो योर वे, अपने रास्ता नापें और जाएं, जो आए जिस मकसद के लिए वापस जाएं। मतलब ये आप भारत से हैं, आप हिंदुस्तान से हैं, आप ये क्यों पूछ रहे हैं, आप ये क्यों पूछ रहे हैं, शौक भी है मीडिया के सामने आने का और फिर इस तरह की हरकत भी करने का, नहीं वो अभी तक यूट्यूब पे है ना 3.5 मिनट की डालना, ये यूं किया पाकिस्तान, अब 1.5 साल से तू पाकिस्तान का बना हुआ है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, अब करना, किसने रोका है? और ये तेरा अपना क्लेम है आई एम द मोस्ट पावरफुल, और वाकई पावरफुल है, शहबाज शरीफ साहब के पास भी टाइम नहीं इसे पूछे, तो करना अपनी पावर दिखा। हाँ जी, और तपन जी कह रहे जी रिजवान भाई पाकिस्तान ने 10 एक्स्ट्रा दिए, श्रीलंका ने खुद 160 बनाया, जिस श्रीलंका ने 14 एक्स्ट्रा दिया और पाकिस्तान ने खुद 170 बना जी ऊपर 147, अगर पाकिस्तान ने 49/58 85 किए होते तो पाकिस्तान कप जीत जाता। भाई जान 49 गेंदों पर 85 किए होते, यहाँ पे 80 गेंदों पर 87 हो रहे हैं, तो 49 गेंदों पर 85 कैसे किए होते, 49 गेंदों पर 85 किए होते तो हमें कहां से कहां हम पहुंचे होते, 49 गेंदों पर 85 वाली हमारी अप्रोच ही कोई नहीं है, और रन बॉल करके जा रहे हैं। सोनी मन साहब आपका कमेंट ले लिया, देखो बात दरअसल ऐसे है कि उनकी अप्रोच देखें, कल भी हमने बात की 58 पे 5 आउट होने के बाद जिस तरह हसारंगा आया, वो गेंद नहीं रोक रहा, वो चौके मार रहा है, वो छक्के अच्छा मार रहा है, नाम वो उसका पॉइंट के ऊपर से छक्के मार रहा है, हमें उसने रुला रंगा कर दिया, हसा रंगा अपनी टीम के लिए, हमारे लिए रुला रंगा है, अरे रोलर रंगा है वो, हमें रोना वाला रंगा है, रोना में रंग दिया, रंग दिया उसने, उसने पॉइंट के ऊपर से उससे पहले भी ये अप्रोच हमारी कौन सी ठीक थी, 4 ओवरों में कोई 60-65 चाहिए था, 68 चाहिए था, जो ऐसा कुछ था 24 गेंदों पर 68 चाहिए था, तो ऊपर वाले क्या करके गए, वो मैंने दोबारा अभी हाइलाइट्स देखी हैं जरा, चलो दिल तो नहीं चाह रहा था क्या उसमें दोबारा जीत रहा है, रिपोर्ट से जिता दिया, मैं शायद हाइलाइट्स में दोबारा जीत गया, सफेद गोला काला जीत गया, ये हकीकत वाक्य है आपको पता है। अच्छा नहीं मुझे कोई, एक बंदा कहता है मैंने 50 दफा फिल्म देखी है, हर दफा सफेद घोड़े जीत जाता है, तो यही है हर दफा श्रीलंका के घोड़े जीत रहे हैं। अब पाकिस्तान वाले जो हैं, रोहित मामा जी, पाकिस्तान 9 पाकिस्तान 37 पे कोई आउट नहीं, हाँ 9 पे कोई आउट नहीं जी, 37 पे जनाब कह रहे हैं कि 6 ओवरों में 37 पूरे टूर्नामेंट में एक भी 50+ नहीं है जिन्हें पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर को 20 बॉल सिर्फ जी, आल्सो वेरी एम्बैसिंग और मिसजस्ट ना जी, हाँ उस पर हमने बात कर लिया, ही शुड हैव बिहेव नाइसली और अदरवाइज इफ ही वॉज नॉट विलिंग टू टॉक ही शुड हैव वॉक्ड अवे स्ट्रेट अवे विदाउट आस्किंग दैट आर यू फ्रॉम इंडिया और आर यू फ्रॉम श्रीलंका और दिस एंड दैट। नहीं अब जो रोहित रमीज की साइड लेते थे, बड़ा समझदार है, बड़ा पढ़ा लिखा है, पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है, ये भी अवे होता है पढ़े लिखे आदमी का, रिजवान साहब। चलो जी अगला टॉपिक पे, अब
आपको पता ही है मैच में क्या हुआ है, लेकिन सकलायन साहब ने जो बोला उस पर आप आ जाइए मोहसिन भाई, उनसे वो रिपोर्टर पूछता है कि शुएब मलिक ने ये ट्वीट किया जी जी। नहीं उससे पहले वाले पे आए ना, आप आगे निकल गए ना, वो तो बाद का सवाल, उससे पहले पे आए। बोलो कौन बंदा रिजवान हैदर जो आता है मीडिया में फेस करने और आते ही रोने से, आपको क्या पता उसके हाथ में शदाब के जो है वो आसिफ के चाय टांके लगे, उसके मुंह पे बाल लगी, उसके कान पे बाल लगी। रिजवान साहब कभी आपने सुना इस तरह के एक्सक्यूजेस आपका कोई दे? आपको क्या पता थी? मैं तो बाहर ध्यान ही नहीं देता कि क्या गुफ्तगू हो रही, मैं भी पीटीवी पे बैठता था तो मैं भी यही कहता था, मतलब तू झूठा था, झूठ बोलता था पीटीवी पे, तूने ये मान लिया। फिर कौन सा दुनिया का हेड कोच है जो आके इस तरह की बकवास कर रहा है, अजीब और गरीब बातें कर रहा है? भाई तू सीधा गया कि हमारे टीम जो है वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकी, हमने हमारा कप्तान जो है वो बैटिंग में बुरी तरह फ्लॉप हुआ पूरे टूर्नामेंट के अंदर, हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रजाइल लगा, शेकी लगा, गेम को रीड नहीं कर सका, वी आर सॉरी फॉर पाकिस्तानी क्राउड, 90% क्राउड वॉज देयर हु वॉज सपोर्टिंग पाकिस्तान, इररेलेवेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, देयर कलर, देयर कंट्री, देयर रिलीजन, 90% क्राउड वॉज सपोर्टिंग पाकिस्तान, दे वर वोरिंग पाकिस्तानी शर्ट्स, इंडियन वर वोरिंग पाकिस्तानी टी शर्ट्स, दे वर सपोर्टिंग, यस फ्यू ऑफ देम वर सपोर्टिंग श्रीलंका एज वेल, इट इज ऑब्वियस। जब आप मुल्क के साथ मुल्क जाएंगे आपकी कोशिश, क्योंकि हमने नफरत ही तो बोई है, हमने नफरत ही तो पाली है, हम मोहब्बत की तरफ जाना सीख नहीं रहे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं जिन्होंने ओपनली कहा हमने श्रीलंका को सपोर्ट किया, मैं सलाम पेश करता हूं जिन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के लिए आए हैं और इतनी दूर से आए हैं, और जिन्होंने टिकटें अपनी रिजवान फाइनल की टिकटें अपनी किसी को गिफ्ट कर देना, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। 1200 दिरहम की टिकट थी, 1200 दिरहम यहां कई लोगों की तनख्वाह नहीं, अल्लाह माफ करे, गलत कह रहा हूं? तो बात ये यार, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपकी, मैं आज अब आप वाले पॉइंट पे आ जाता हूं। आपने कहा जी उससे सवाल बिल्कुल हुआ, सवाल मैं पूछता हूं आप निहाल के कर गुप्ता का जी, T20 इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, 2-3 ओवर जो चेंज कर देते हैं मोमेंटम, बट आई थिंक पाकिस्तान विल एक्सपोज मच इन ओडीआई, व्हाट यू ODI में तो हम पहले ही एक्सपोज्ड हैं। नहीं, ODI में वी आर गुड बिकॉज़ इनका ये बाबर का, रिजवान का, इवन फखर का, इनको स्टाइल सूट करता है ODI का, सीधी सी जो बात है उसमें ये खेलने 300 बालें होती हैं, 300 बालें खेलें अपनी मर्जी से, ये लगे रहे 90-100 के स्ट्राइक रेट से, 80-85-100 के स्ट्राइक रेट से, क्योंकि 8,500 दोस्त साथ हैं, लाइक 3,000 लाइक प्लीज कर दीजिए। आप प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे खूबसूरत दोस्त देख रहे हैं आप, इट टेक्स जस्ट अ सेकंड, जस्ट लाइक द वीडियो, हम बात आगे कर रहे हैं। तो एक आधे बंदे पे नहीं बोलना, इवन बाबर पे भी अभी T20 का उसको भी प्रूव करना। रिजवान जो है अब कल से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान हारे सिर्फ रिजवान की वजह से, और वो दूसरा जब इफ्तिखार है उस दिन नवाज के ऊपर भेजा, उसने 20 गेंदों पे 40 डाला इंडिया के खिलाफ, और ये राणा बॉल 30 गेंदों पे 30 खेल के आ गया। ये अजीब सी इनकी कोई मंतक थी जो कि समझ नहीं आई। ये दोस्त सुन रहे हैं जी आपकी बात, लाइक कर रहे हैं साथ साथ, शुक्रिया। सौरभ कुमार कहें जी 60 रन मतलब विराट चाहे प्राइम फॉर्म में हो या खराब में, बाबर की तरह 60 रन भी नहीं बनाए, बाबर इन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जनाब। हाँ जी आज पूरे उसने 60 भी नहीं बनाए, कोई पता नहीं 58 कुछ इस तरह बनाए हैं, छः मैचों में इतने रन बनाए हैं, आप क्या बोलें। लेकिन कहीं ना कहीं चलो ये उस पर्सपेक्टिव से अच्छा है, रन करने हैं तेज करो वरना आउट होकर बाहर चले जाओ। लेकिन जो खेल रहे हैं वो भी रन बॉल 50-50 करके जा रहे हैं। कल मौका था कि बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट में, सर आपने कल ऊपर जब आपका फखर पहली बार पे लेग पे वाइड थी उसको जाने देता या उसको कहीं भी मारता सीधा जाके उधर ही हाथ में उसके। फखर जब आपका बोल्ड हुआ आपने नवाज क्यों नहीं भेजा जब गेम आपकी, आपको पता है रिजवान हल्का खेलता है, आपको पकता है इफ्तिखार जो है ही टू एजिस एंड एजिस, अंडे दो पे आउट था, इतना बड़ा एज हुआ ये तो अंपायर ने दिया नहीं, श्रीलंका वाला जो है वो कीपर और वो सारे सोए हुए थे, दो दूसरी बारी मिली भाई, उन्होंने जान के नहीं किया, उन्हें पता है चाचा इफ्तिखार जो है उनके लिए खेलेंगे। शुभम जी जी इंडिया टीम में भी परेशानी है जनाब, सूर्या अल्ट्रा एग्रेसिव प्लेयर है जी, विकेट फेंक देता है, शरियास अय्यर को स्क्वाड में रखो,
स्पिन खेलने में वर्ल्ड में टॉप थ्री में है जी, पेस को कैसा भी हो मिडल ऑर्डर जी आपकी टीम पे भी। तो आयर को फिर ऑस्ट्रेलिया ले जाएं तो फिर स्पिन उनसे कहेंगे हम स्पिनर खिलाएं। डिसूजा साहब कहें जी हाय गाइस यू आर क्लोज टू माय ऑफिस इन बिजनेस पे विच होटल वी एक्चुअली वी गोना गो टुडे वी आर स्टेइंग इन गल्फ कोर्ट होटल इन बिजनेस पे तो बस आज रात को फ्लाई हाँ 11-12 बजे अपने अपने वतन वापस इंशाल्लाह। तो जी हाँ तो आपकी ये बात करते हैं यार सिलेक्शन पे अभी वो भी सुन ही नहीं रहे वो 3000 लाइक से बड़ी नहीं रहे 9200 लोग साथ हैं लाइक कर दो भैया लैपटॉप सेल वसीम बोले कैसे मिडिल ऑर्डर किया जी राजेश जी इस पे भी आ रहे मैंने तो कहा था ये लैपटॉप सिलेक्टर से ना होगा ये इफ्तिखार ये आसिफ ये खुलदिल ये फखर दे कांट दे आर नॉट अभी समझ आ गई जो बातें पहले करता हूं फिर आप कहते हैं जी मोहसिन को तो प्रॉब्लम होती है अब होती है। अच्छा जी बात बीच में उनसे पूछा कि जनाब कि वो शुएब मलिक ने ट्वीट कर दिया है कि लाइक्स और डिसलाइक्स तो फिर जिस तरह की नियत हो तो वैसे ही ऊपर वाला सिला देता है कुछ ऐसा कुछ उन्होंने किया तो कह रहे हैं कि जनाब तो अच्छी बात है दोस्तियां तो सबसे ही होनी चाहिए मेरी भी है तो आप ये अच्छा है कि दोस्तियां ज्यादा रखें या दुश्मनियां ज्यादा रखें तो हमें दोस्त बन के रहना चाहिए और सब कुछ ये वो लेक्चर शुरू कर दिया और भाई वो कह रहा है जो आप टीम में स्क्वाड इकट्ठे कर रहे हो 15 बंदे उसमें से दोस्तियां यारियां निभाई जा रही हैं उस पर बात करें टू द पॉइंट सीधा कि हाँ इसमें हकीकत है या नहीं है या आपकी क्या राय है। आप कह रहे हैं जी बंदे को जिंदगी में ज्यादा दोस्त ही रखने चाहिए और वो तो पता ही है रखने चाहिए आप एक प्रोफेशनल टीम के हेड हैं या तो आप गलती से या तो आप बोलेंगे जी उसने स्टूपिड बात किया शुएब मलिक ने और जिसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है या सीधी ऐसे बात करें या बोलें कि हाँ शायद उनको लगा हो तो नहीं आप कह देंगे नो कमेंट जी वो उसने किया उससे बात करें उससे करें वो टू द बात कुछ और है जवाब कुछ और है सवाल कुछ और है जवाब गंदुम सवाल चना वो वाली बात बीच में तो इट स्ट्रेन सी वो बात ही। लेकिन बहरहाल जी शुएब मलिक को भी पाकिस्तानी फैंस जो है वो आड़े हाथों ले रहे हैं कि भाईजान अभी आप 40-40 साल के हैं अब रहम करें टीम पे तो आपको हम ऑस्ट्रेलिया पूरी टीम 40-40 साल की है वो भी तो रहम करें ना नहीं हाँ छोड़ के और यार 5-5 साल की उम्र इनकी ऊपर डाले ना जो असल हैं तो सारे ही 40 के करीब होंगे कोई 30 के करीब होंगे कोई 28 में होंगे 40 का तो कोई भी नहीं सर करीब इफ्तिखार शायद हो बाकी तो कोई नहीं है। महेंद्र कुमार कहें जी सकलैन प्लेइंग 90s क्रिकेट जी जमान लगता है कि गली का मैच खेल रहा है जी बाबर आइडियोटिक सेम सन जी पाकिस्तान वेस्टिंग इमाद वसीम लैक ऑफ इंटेंशन इन द टीम जी ठीक है इस पर बात करते हैं बिल्कुल ठीक है लैक ऑफ इंटेंशन है। प्रशांत प्रशांत जी बिग हग टू बोथ ऑफ यू वी नीड मोर पीपल लाइक यू इन दिस वर्ल्ड देयर वाज नो इंटेंट फ्रॉम पाकिस्तान लव फ्रॉम चंडीगढ़ जी आई वॉच योर शो एवरी डे थैंक यू वेरी मच जी और आपने जो इंटेंशन की बात की बिल्कुल बात ठीक है बात दरअसल ऐसे भी 90s वाली बात ठीक है वो भी आपकी बात ठीक है बात दरअसल ऐसे है कि अब यहाँ पे अगर कोई भी अग्रेसिव किस्म का कप्तान होता 58 पे 5 आउट होने के बाद वो पूरे ओवर भी शायद अगर खेलने भी देता तो 125-30 से ज्यादा रन नहीं जाते थे 125-30 से ज्यादा रन जाने ही नहीं थे पूरे ओवर खेलने ही नहीं देने थे और फिर बीच में कैचेस भी जो देखें जो छूटे हैं कैच भी 46 पे था राजा पाक्सा पहला कैच शदाब ने छोड़ा दुखी बनी फिर उसका 51 पे एक कैच छूटा वो कैच भी छूटा साथ ही छक्का भी हुआ तो ये 51 पे भी कैच छूटा 46 पे भी कैच छूटा फिर आखिरी गेंद पे भी उसने आपको छक्का ही मारा वो आपके सामने है पूरी इंटेंशन पूरे ओवर आपने खेलने कैसे दिए वहां से और वो भी विद फुल फ्रीडम। देखिए दो बातें होती हैं इसमें जब आप 58 पे आउट कर देते हैं 5 बंदे तो दो तरह की अप्रोच होती है। अमन शुक्ला जी कहेंगे राशि लदेव के हिसाब से कौन है T20 का प्लेयर भाईजान बात छोड़ो जो टॉपिक में 3-4 उस पर बात कर लो इस पर काफ़ी हमने बात कर ली ये तो बीच में आप फिर आपका फिर सुपर चैट का भी मैसेज रह जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत ही उस पर बात कर लेंगे। एनीवेज तो दो अप्रोचें होती हैं कि एक ज़्यादा जिसके 5 आउट हैं और आपकी जो अगर बॉलिंग करवा रहे हैं तो आपकी अप्रोच ये है कि जनाब हम पूरी विकेट लेने की कोशिश करें और इनको बेशक के 2-4 चौके आए लेकिन हम यहाँ पे 1-2 विकेटें और ले लें टेल तो पहले ही खड़ी हुई है 5 बंदे तो ऊपर के उनके पहले चले गए हैं
और जो दूसरी टीम की अप्रोच जो है यूजली दे टेक सम टाइम, लेकिन यहां पे हुआ क्या कि 58 पे 5 आउट के बाद उन्होंने उल्टा लाठीचार्ज शुरू कर दिया और हमने बॉलिंग चेंजेस हमने सरेंडर कर दिया उनके मेन बॉलर को लगाते रहो, एंड पे हारिस ने आके उसको आउट किया। हारिस को जैसी इंटेंशन नजर आई कि यार दे आर स्कोरिंग रन, ब्रिंग योर मेन बॉलर्स, ब्रिंग योर फास्ट बॉलर्स, जिन्होंने 4-5 जो पहले ऊपर के आउट किए हुए थे वहां से एक दो और विकेट निकल जाती तो आप जो पूरा जो ओवर वो खेल नहीं पाते, फिर कैच भी आपने छोड़े। और कोई अग्रेसिव कप्तान होता यहां पे तो ये 58 पे 5 के बाद 170 बनता ही नहीं है। और 170 जो बनाए पहली बात वो, और फिर दूसरा फील्डिंग में हमारी इट वॉज हॉरिबल हॉरिबल फील्डिंग यस्टरडे, और रन भी दिए कैच भी छोड़े। और राजा पाक्सा को जब इन्होंने उस जोन में ला के खड़ा कर दिया कि जनाब फिर वो जो हिटिंग जोन में आ गया तो फिर तो वो छोड़ता नहीं है। 46 पे क्या छूटा, 51 पे छूटा, 71 और उससे बढ़ के इंटेंशंस पाकिस्तान की टीम की, अगर ये विकेट्स लेने के लिए जाते और ये प्लान करते कि जनाब हमने 5 आउट कर दिया, हमने पूरे ओवर नहीं खेलने देते, तो उनके रन जो है 125-30। श्रीलंकन्स हेट राजा पक्साज, पता है आपको ये? लेकिन कल लोग कह रहे थे सुन ले क्यों श्रीलंका वाले राजा पक्साज से नफरत करते हैं, आज जो फाइनेंशियल क्रंच है वो, लेकिन इस राजा पक्से से मोहब्बत करते हैं जिसने बैटिंग कल की है, इसको वो लव करते। लाइव शो में है रात वाले जो रिजवान साहब ने किया उसमें लाइव शो में बंदे ने कहा है कि जी वी हेट राजा पक्साज बट वी लव दिस राजा पक्सा, तो ये राजा पक्सा है। बाकी सकलैन की आपने बात की है, देखे ये आए ही दोस्तियां रारियां निभाने हैं यहां। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, वेदर इट इज अ कैप्टन, इट इज अ सिलेक्टर, इट इज अ डायरेक्टर, मीडिया इट इज अ डायरेक्टर। आप देखिए नदीम खान एंड कंपनी सब आए हुए हैं, सारे पहुंचे हुए हैं यहां पे दुबई में पाकिस्तान के खर्चे पे। तनख्वाह नहीं लेता रमीज राजा, लेकिन टीएडीए तो लेता है, टिकट तो लेता है, होटल तो लेता है, गाड़ियां तो लेता है, मौज तो लेता है। नदीम खान डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का रिजवान हैदर दुबई में क्या काम है मुझे ये तो बता दे। भाईजान क्या पता, मुझे खुद ही पता क्या है। चले आप अगर डायरेक्टर होते हाई परफॉर्म, यहां आप आके इनकी आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोई एक प्लेयर आपने प्रोड्यूस किया 4 साल में? ऐसा ही है, कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही। तो बहरहाल जी बॉलिंग के बाद बैटिंग की क्या, इधर भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रही। 4900 पे रुके हुए हैं, 9500 साथ है, वो ये क्या परफॉर्मेंस, वो गुस्सा कर जाते हैं क्या? बार बार नहीं कहना ही नहीं है, मतलब हमने भी नहीं कहना, इन्होंने भी नहीं सुनना। ओके नहीं नहीं वो कर रहे दोस्त जो है, देखे साथ में दोस्त बाकी दुश्मन है जो नहीं कर रहे। तो ये जी सूरत आ रहा जी, 58 पे 5 के बाद जो है 170 और फील्डिंग। बैटिंग पे मोहसिन भाई रोशनी डालेंगे जी। मोहसिन भाई बैटिंग हमारी जो हुई उस पे सर बैटिंग आपकी है सही, मैं तो पहले दिन से चीखे मार रहा हूं कि ये जो परफॉर्मेंस है ना 10 में से एक दफा चलने वाली है तो कोई भी दे देगा। परसों रात जो मैंने इतनी जिम्मेदारी से इतने होशोहवास में ये बातें की थी और कल के सुबह के शो में जो मैंने ये बातें की थी, मेरा एक्सपीरियंस था इनके साथ कि ये जब इनके मरने मारने पे आ जाते हैं, इंग्लैंड की सीरीज है 2-4 दिन बाद ये वो खेलने में आएंगे तो ये अपना 2000%। लेकिन आई एम सॉरी इन्होंने मुझे कल इसमें भी गलत साबित कर दिया। और मैंने आपको टॉस जीतने के बाद कह दिया था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शो देख लें दोस्त टॉस वाला, कि ये बाबर आजम टॉस जीत गया, ये मिथ आज खत्म हो जाएगी। विन द टॉस, टॉसिया कप, टॉस इज द चैंपियन, टॉस को ट्रॉफी दे दें, टॉस को फलाना कर दें। आपने कल 58 से 5 और ये शो करता है कि एक टीम जीतने के लिए उतरी थी, एक टीम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फाइनल उतरी थी। लास्ट रेस्ट रिहर्सल मैच में आपने क्या किया, आपने उससे क्या सीखा? यही आपने उसमें किया, विकटें आखिरी 6 जो है 35-37 रन पे थी। कल के मैच में भी आपने एग्जैक्टली ये किया कि आखिरी विकटें आपने प्लेट में यहां रख के, और ये आसिफ और भाई एक बॉल के वंडर्स हैं आपके, ये आसिफ फखर इफ्तिखार खुशदिल, कहने को तो आपके पास सुपर से ऊपर चैंपियंस हैं, वन बॉल वंडर्स हैं, वन बॉल वंडर्स हैं। अन्नम बग्गा जी पूछ रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? जी मैं और रिजवान साहब
इंशाल्लाह, लेकिन पूरा नहीं कवर करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है। तो हफ्ता एक कोशिश करेंगे, हफ्ता 10 दिन, कोई मेलबर्न, कोई सिडनी, तो करीब करीब हाँ देखते हैं जी। होपफुली वैभव गुप्ता जी कहेंगे सर आई आस्क्ड यस्टरडे टू व्हाई वाज नॉट आसिफ अली सेंट आफ्टर इफ्तिखार, हाउ राइट इज इट टू प्ले अ प्योर बैट्समैन फॉर जस्ट प्लेइंग लास्ट 3 ओवर। वो है ही ऐसा बैट्समैन है, वो ऊपर आके कुछ ना करता, उसको सूट ही यही 15-20 बॉलें करती हैं ट्रेडिशनली। जहां आसिफ ऊपर आया आप देख लें, एक आध इनिंग्स के अलावा ये कभी नहीं चला। इसने एक बॉल का ये चल गया तो 100 साल, ना चला तो ठुस। देखिए जी, जितने भी इस तरह के बैट्समैन हैं जो कि नंबर 6 पे 7 पे खेल रहे हैं, तो उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 10 से 11-12 की एवरेज को लेके आगे चले कि जब वो बैटिंग करने के लिए आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके साथ भी नाइंसाफी और ज्यादती है कि जब वो क्रीज पे तशरीफ लाए, इस्मान ओझा जी आसिफ अली द बैट्समैन ऑफ द पिंच हिटर्स इज बॉलिंग इशू और इंडिया जी ठीक है, कि आप जब वो आपके दो ही बंदे आउट हैं ऊपर से, और लेकिन जैसे ही वो आउट होके जाता है नीचे बंदे आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो आखिरी 4 ओवरों में आपको 15 से 16 की एवरेज चाहिए। तो ये क्या नाइंसाफी है जो ऊपर वाले करके जाते हैं नीचे वालों के लिए। इसीलिए वो फीस जो रिटायर हुआ T20 से, उसने एक इंटरव्यू में बोला अरसलान खान जी व्हाई यू गाइस डिस्कस मलिक जी, ही इज नॉट रेलिवेंट, ही इज नॉट, वो ऐसे ही आप लाइमलाइट लेना चाह रहा है। यूएई में चलो इस टीम में शायद वो खेल सकता था, लेकिन वर्ल्ड कप में उसका है नहीं चांस ऐसे बीच में। ये कितनी नाइंसाफी है कि नीचे जो नंबर आग पे बैटिंग कर रहे हैं कि वो पहली गेंद से उनको पता है जनाब हमने 1 ओवर में 3 चौके मारने हैं या 2 छक्के मारने हैं और 15-16 रन हमने करने हैं आखिरी 3-4 ओवरों में। ऊपर वाले यानी मजे से टुक टुक शुक एक एक रन कर रहे हैं, 50-50 गेंदों पे 50-50 करके जा रहे हैं, और जो नीचे आ रहे हैं उनसे बोले जी 24 गेंदों पे 68 करो। भाई 24 गेंदों पे 68 करो नीचे वालों से, तो तुम ऊपर वाले क्या करके जा रहे हो, इतनी गेंदें तुम जाया करके जा रहे हो। हफीज ने भी एक इंटरव्यू में बोला कि आज के वो रिटायर हुआ ना वर्ल्ड कप से बाहर, तो उसने मतलब सार्कास्टिकली वैसे बोला मुस्कुराते हुए कि वारी तो उंझ भी नहीं सी आन रही थी, असी क्या रिटायरी हो जाइए कि वारी तो उंझ भी नहीं सी आ रही थी रिटायरी हो जाइए, क्योंकि ऊपर से वो बाबर रिजवान ही वो 12-15 ओवर हो साथ में अभी फखर भी मिल गया उसी स्टाइल में खेल रहा है, तो जब 12-15 ओवर वही खेल के चले जाएंगे तो जो नीचे लाइन आपने 3-4 की रखी हुई है तो वो फिर उसने कहा जी वारी तो उंझ नहीं आती असी उंझी रिटायर हो जाने हैं फिर तो रिटायर हो जाए। अब ये ऊपर वाला चाहे वो बाबर है चाहे रिजवान है, फॉरगेट वी डोंट नीड अ 50 बॉल 50। ये क्या चल रहा है कि 49 गेंदों पे आप जब 1 छक्का मारा है उस पर तो पहले इस तरह छक्के मारो या आउट हो गए बाहर चले जाओ। जो नीचे के बैट्समैन आ रहे हैं उनको थोड़ा तो ब्रीदिंग स्पेस दो आप। एक ओवर में चलो ठीक है 10 का रन रेट समझ में आता है, 9 का 11 का समझ में आता है, आखिरी 3 से 4 ओवरों में जनाब आपने उनको 15-15, 16-16 का रन रेट दिया हुआ है कि इसमें यही करना है, आप उन्हीं के हाथ में सब छोड़ दिया, उसमें वो कभी कामयाब होंगे कभी नहीं होंगे। लेकिन ये ऊपर वाले कंसिस्टेंट हैं, ये राना बॉल 15-16 ओवर खेल के जाएंगे तो जो खैर नीचे वालों को भी उनके भी अकल नहीं है, हसन अंगा उनको समझ नहीं आ रही उन्होंने करना क्या, बॉलर भी पिक किया तो हसन अंगा जो कि इनको हर मैच में इनका बुरा हाल कर देता है, और चलो तुमने हिटिंग करनी है तो बॉलर तो कोई तगड़ा कोई मतलब नहीं ना चुनो। मुझे ये बता, एक मिनट ये बता दें, सिर्फ एक चीज बता दें, विकेट गिर गई मोहसिन अली आउट हो गया, नहीं रिजवान हैदर आउट हो गया, मोहसिन अली बैटिंग करने आया, पहली बॉल पे मैंने छक्का मारना है, पहली बॉल हाँ। ना पिच देखी ना बॉलर देखा ना बॉल रीड की, पहली बॉल पे आंखें बंद। विमल खन्ना करण जी रिजवान भाई आप सपोर्ट कर रहे थे बाबर और रिजवान की अप्रोच को, देखो यार ओवरऑल अगर एवरेज देखा जाए बात होती है मैच टू मैच, ऑन एवरेज दे टेक सॉर्ट ऑफ 37-38 बॉल पे वो 50 को टच करते हैं, तो यहां तो इतना आता तो ठीक था, 6 ओवरों में हम 50 भी करते तो ठीक था या 37-38 गेंदों पे, यहां पे तो 42 गेंदों पे कल 42 स्कोर था, तो उस अप्रोच की बात हो रही है आप मतलब 42 गेंदें खेल रहे हैं और 42 स्कोर कर रहे हैं, आप साथ साथ देखते जाए 48 गेंदें खेल रहे हैं 8 ओवर और 50 स्कोर है आपका, तो उस अप्रोच पे बात हो रहा है। ऑन एवरेज इफ यू स्कोर 6 ओवरों में या 37 गेंदों में 50 करते हो तो ठीक है, पावर प्ले का अच्छा स्कोर है। इफ्तिखार अहमद इसी स्टाइल से खेलता है, आप देख लें इंटरनेशनल में उसकी बॉलें और रनों में बाद में फर्क आ जाता है, शुरू के जब वो आता है जस्ट लाइक रिजवान जस्ट लाइक बाबर आजम
इफ्तखार फखर ये चारों एक ही स्टाइल के। मुझे नहीं समझ आई किसने वगैरह को जो कहा है कि वो पिंच हिटर है, वो बाल फाड़ देता है। मुझे नहीं समझ आई आज तक ये कब हुआ हो T20 में। T20 में हवा है भाई उसके नाम का। PSL में बहुत अच्छा खेला, इंटरनेशनल में उसका जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस्टम के बैट्समैन है उनका स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर ही होता है। तो फिर भाईजान ये देखिए उसका स्ट्राइक रेट। अच्छा आप मुझे ये बताएं कल जो हरकत हो गई है, जो सकलैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो पूरी ये फौज जफरे मौज आ गई, जो रमीज राजा ने, देखें वो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अब आप बात को समझिए, तो ही इज द फेस ऑफ पाकिस्तान, स्पोर्ट्स लविंग फेस होना चाहिए। मेरा जाती ख्याल है उन्हें इस पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि नहीं भाई यूं हो गया वो। ये देखें इस तरह ना मजा नहीं आता रिजवान, जब आपका चेयरमैन चाहे, देखें मैं और आप अगर इमोशनल हो जाए टीम की हार पे, इट मेक सम सेंस। चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, अगर वो पिछली रो में बैठ गया तो इसमें कोई क्यामत नहीं आई। हाँ जी, तो ये भाईजान अब टाइम इतना बचा नहीं है। एक भाई ने अभी बीच में मैसेज किया था, नाम निकल गया, कि इंग्लैंड के लिए जी बेस्ट विशेस कहते हैं जी, इंग्लैंड के लिए तो बेस्ट विशेस। उसमें तो ये जीत जाएंगे तो रमखान नहीं, उसमें क्या क्या पता नहीं जीते, क्या गारंटी है कि जीत जाएंगे। हमारी टीम खेल रही है तो मुझे तो उसमें भी लगता है कि इंग्लैंड है वो, बेशक कि वो उनके कुछ खिलाड़ी मेरे 10,000 से ज्यादा दोस्त है, 6,000 लाइक्स है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खूबसूरत दोस्तों लाइक कर दो, मोहसिन भाई को गुस्सा आ जाता है, यूनाइट हो जाते हैं कि आप दोस्त मौजूद भी हैं, तशरीफ भी है। शनाका ने पता क्या कहा, कहता टॉस हारने के बाद भी हमें याद था पिछले साल CSK ने, पिछले यानी के उससे पिछले CSK ने KKR को हरा दिया था बैटिंग करके। अगली बात सुन ले, तो बात यह है शनाका को यह पता था, बाबर को नहीं पता था। नहीं पता तो सबको ही होगा, पूरी दुनिया को ही पता है CSK कौन सा कोई किसी बंद कमरे में हुआ और जीत चैंपियन बना है। और हमने अपनी वीडियो में ये कई बार ये बताया, कई बार ये बताया कि जनाब थोड़ी सी मोटिवेशन लेना तो आप ले लें। और उन दिनों ड्यूब ज्यादा थी, अगर आपको याद हो, जब ड्यू ही तो थी उन दिनों, ड्यू ज्यादा थी जब CSK चैंपियन बना है, उसके बावजूद वो चैंपियन बना था, मोटिवेशन ये ले सकते थे। और कल एक श्रीलंका के फैन से हमारी बात हुई, वो कल रात वाली वीडियो में मौजूद है, वो कह रहा था जब हम टॉस हारे थे और उसके बाद भी हमने बोला कि ठीक है हम चैंपियन बनेंगे, तो कोई हमें ये ना बोले टॉस की वजह से आप बने हैं, हम टॉस हारेंगे मैच हम जीतेंगे। तो उनके फैंस भी इतना अच्छा और कॉन्फिडेंट लेवल वहां तक गया हुआ था, कॉन्फिडेंस का लेवल कि कोई बात नहीं अगर टॉस नहीं जीते लेकिन वी विल विन द मैच, और यही कॉन्फिडेंस उनका रिफ्लेक्ट हुआ उनकी अप्रोच में, उनकी टीम में, उनकी सोच में। और जिस तरह विकेटें गिर रही हैं, रन आ रहे हैं, और यार हमारी 2 विकेटें गिरी हुई हैं सिर्फ 2, तो हमने कोई 12-13 ओवर खेल दिए रन बॉल के हिसाब से, उनकी 5 विकेटें गिरी हुई हैं। हसरंगा आके आपको 150 के स्ट्राइक रेट से रन डाल के जा रहा है, राजपक्षा आपको 160 के रन रेट से 71 रन डाल के जा रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट द अप्रोच एंड माइंडसेट। आप डरी डरी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बड़े दिल के साथ खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं जाए विकेटें भाड़ में, हमने फेंटा लगाना है आपको, और आप जो ना विकेटें आपने संभाल के रखी हुई है। किरण देशपांडे जी प्लीज कंपेयर कैप्टन स्किल्स ऑफ जी शनाका एंड जी बाबर जी। कंट्री हाउ यू आर एबल टू होल्ड योर हेड। देखो कंपैरिजन कैसे, वो चैंपियन बनवा गया अपनी टीम को, हालांकि उसने बल्ले से कल कुछ नहीं किया, लेकिन उसने जिस तरह फील्ड प्लेसमेंट और बॉलिंग चेंजेस की है, और जिस तरह उसने अपनी टीम को कहीं ना कहीं डाला उनके दिलो दिमाग में कि हमने ये वाली क्रिकेट खेलनी है। और हमारे मतलब ये बात वैसे सभी अजहर साहब के साथ हम जब वीडियो बनाते थे तो वो उन्होंने एक बात ऐसे कुछ बात कर रहे थे या शायद किसी और ने बोली थी, जेन से निकल गया, वो कह रहे थे जिस मैच में बाबर आजम के रन नहीं आएंगे आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिएगा। भाईजान ये बात है बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है कि जिस मैच में बाबर आजम के अपने बल्ले से रन नहीं आएंगे इसका मोरल ऐसे डाउन हो जाता है, बिल्कुल डाउन। ऐसा बंदा लीडर होना चाहिए, बिल्कुल डाउन। तो ये काम करने की जरूरत है, अगर रन नहीं आए तो मैच भाई तुम्हारे रन के बगैर ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया ना भाईजान, बिल्कुल तो इसके रन के बगैर ही पहुंच गया पाकिस्तान फाइनल में, तो इतनी क्या थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज उठाओ यार, टीम के ऊपर उठाओ। टेरी जी कह रहे हैं जी
बिफोर इंजी मिसबा वकार नाउ सकलान एंड यूसुफ वाई दिस ग्रेट स्टॉक बिग बिफोर कमिंग द कोचेज एंड डू नथिंग फॉर पाकिस्तान सक्सेस जी भाई। हाँ जी भाई जान, बातें हैं ना, जब बंदा मैदान में उतरता है तो फिर पता लगता है ना, बाहर बैठ के तो बाहर की बातें करता है। कल ना जी आज इंडिया और पाकिस्तान T20 में बाहर हो जाएंगे जनाब, ये सोनू भाई जान कोई अच्छी अच्छी बातें करें, पहले दिल खराश नहीं, बाहर कहाँ हो जाएंगे, क्या गलियों से बाहर हो जाएंगे, क्या सभी फाइनल की रेस कमाल है। चलो इसी से ले लें, अब्दुलरहमान पूछ रहे हैं रिलेटेड है ये सवाल, शाहनवाज धानी जब फिट था अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वाई वॉज लेफ्ट आउट हाँ उसको डाल देते इन्होंने, वो तो बाहर हसनैन कैसे अंदर आया, क्योंकि वो शाहनवाज धानी जो है वो जरा उसको मसला हो गया, वो ठीक हो गया तो उसको डालना चाहिए था मिडल ऑर्डर, आपने तो टॉप थ्री के स्टाइल से। हसनैन जो है मैंने आपसे कहा था इसके बस का काम नहीं है, तो देख लिया आपने किस तरह छक्के खाए सवाब की तरह। सरफराज की याद तो आई होगी कल जी, कप वो लाया था यार, सरफराज की याद की बात नहीं होती, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, कप्तानी देखें अभी रिजवान साहब ने जो पॉइंट उठाया है बाबर वाला, तो बाबर क्या सारी जिंदगी कप्तान होगा भाई, आप अपने सबसे बड़े बैट्समैन को ये कह के कि ये सबसे बड़ा बैट्समैन कहीं ना कहीं फॉर्म में डिप आना था तो आ गया, आपको दो साल से यही अर्ज कर रहा था कि ही इज नॉट अ कैप्टनसी मटीरियल, लेकिन भाई स्टूडेंट की बात जो है वो सुनते नहीं। और रिजवान साहब बड़ी खबरें आ रही हैं कि यहां पे बात ये है कि वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा अगर नहीं उतर रहा या नहीं वो सीख पा रहा तो कोई मसला नहीं है चेंज करने में, लेकिन मसला यहां पे ये है कि कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर हमें नहीं मिलता, मतलब ऐसा। अब रिजवान के सबसे ज्यादा रन हो गए कल, तो क्या फायदा उन रन का, बस रिकॉर्ड हो गया ना। आपने फाइनल में अपनी टीम के लिए 50 गेंदों पर 50 कर लिए तो फायदा क्या उसका, चलो इसको हटाओ रिजवान को बनाओ, लेकिन अगर उसमें इतनी कप्तानी की सेंस है, मैं से एक बात कर रहा हूं, अगर रिजवान में भी कप्तानी की इतनी ज्यादा सेंस है तो उसको इतनी सेंस नहीं है कि जी 50 गेंदों पर 50 नहीं करना, 50 गेंदों पर 70-75 तो मैं करूं, तो ये क्या उसको कप्तानी वो करेगा, चलो जब करेगा तो करेगा। मैं वैसे बात कर रहा हूं कप्तान भी साथ में है लेकिन बैट्समैन बैटिंग तो कर रहा है, वो उसमें इतना सेंस नहीं है कि यार मैं अपनी चांसेस क्रिएट करूं, शॉट्स क्रिएट करूं, तेज खेलूं। तो यहां पे भाईजान एक से एक कोई बढ़ के है, और ये कहना कि जी वो हो जाएगा तो पता नहीं दूध की नहरें निकल आएंगी, तो ये हो जाएगा और यही है। फखर की बात हो रही जी उसको ओपनर भेज दें, और यार उससे भी कुछ भी नहीं हो रहा, पूरा उसने टूर्नामेंट कख नहीं किया उसने, ही डिड नथिंग। और कल जब थी उम्मीद कि चलो ये थोड़े से अच्छे रन डाल के जाएगा, चलो स्कोर को 50-60 के पार तो करके जाएगा ओवरऑल टीम का, अपना तो अच्छा दराज ही हो गया उसने कभी 50-60 किए हो तो। बाबर का बुरा हाल है बैटिंग में, कप्तानी में ही क्लूलेस। रिजवान जिसको कह रहे हैं कि कप्तान बनाए, उसका भी इतना दिमाग चल रहा है कि इतना ही ज्यादा चल गया कि 50 गेंदों में 50 करके जा रहा है, तो ये मतलब कप्तान की ये अप्रोच होनी चाहिए अगर उसको भी साथ में खिलाए। बाकी इन्होंने शादाब को वेस्ट किया, उसको भेजते हैं नंबर चार, नवाज को भेजते हैं नंबर चार, कहते यार फ्री हैंड है आप जाके खेलो, ना कोई बैटिंग ऑर्डर अच्छा भेजा, और बैटिंग बीच में आपने रखे हुए चार पांच बंदे अभी आपके पड़े हुए, लेकिन स्कोर आपका 4 ओवरों में आपको 70 चाहिए, तो 4 ओवरों में 70 तो भाईजान फिर बड़ों बड़ों से नहीं होता, आगे ऐसा रंगा हो तो। बिल्कुल फजूल किस्म की प्लानिंग की थी कल इन्होंने, प्लानिंग थी वैसे कोई कोई प्लानिंग जो थी उसमें प्लानिंग थी। चलो लालच भेजे आगे चलें, अभी BCCI की बैठक है, बड़े अच्छे दो सवाल आए हैं, बल्कि दो तीन चीजें आई हैं, ऋषभ वालिया अतुल वसत देवा वो कहते हैं जडेजा नहीं है तो उसकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट क्या है, और क्या आप समझते हैं शामी को अंदर होना चाहिए, और ऋषभ पंत के हवाले से सोर्सेस कह रहे हैं कि शायद वो टीम में ना हो, तो आप इस पे जल्दी से बता दें कि क्या होना चाहिए, जल्दी से आप बता दीजिए। ये पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं फिर मैं बता देता हूं, आप बताइए। देखो जडेजा की तो लाइक वाइज जो है वो अक्षर पटेल बन रही है रिप्लेसमेंट, जो सीधी सी बात है, और बाकी मैं पर्सनल तौर पर समझता हूँ कि शामी को होना चाहिए, वो ये जो अभी यंग बच्चे हैं, इवन आई लाइक हिम इवन मोर देन भुवनेश्वर कुमार, ऑस्ट्रेलिया वाली पिचेस पे अब देखो क्या करेगा। अर्शदीप नहीं नहीं फास्ट बॉलर, वो अच्छा शामी की बात बोली ना सिर्फ, मोहम्मद शामी की इंक्लूजन की खबरें आ रही हैं, तो उसकी मैं बात कर तो फिर इसका मतलब है, इसका मतलब है आई लाइक शामी, इस समटाइम्स ही कैन बी कॉस्टली बट ही विल गिव यू द विकेट्स, इसका मतलब है रिजवान हैदर साहब
के सिलेक्टर वाज कंप्लीटली रॉन्ग फुटेड ऑन शमी एंड ऋषभ पंत जो है वो आप कह रहे हैं कि उसको निकालने जी ये सोर्सेस कह रहे हैं ये इट विल बी अ ब्लंडर आई एम टेलिंग यू गाइस कि देखे हर जगह की एक एक वो होती है जैसे अब कल शुएब मलिक ने कर दिया ट्वीट तो लोग समझ रहे हैं जी कि उसके दरवाजे कंप्लीटली बंद ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में ओवरनाइट चीजें बदल जाती हैं यू डोंट नो दैट मैं नहीं समझता कि हालांकि देखें ये बात तो जस्टिफाइड है कि ऋषभ पंत की उस तरह की परफॉर्मेंसेस टी ट्वेंटी में नहीं आ रही जितना उसको बैक किया गया ठीक है जितने चांसेस दिए ठीक है जितना उसको बोला गया मान लिया मैं फिर भी उसको ऑस्ट्रेलिया में लेके जाएंगे बिकॉज इट्स नॉट गुड दैट यू जस्ट प्रेस द पैनिक बटन जस्ट बिफोर मेगा इवेंट ट्रू इतने आप उसको चांस दिए तो टूर्नामेंट और खिला फिर ऑस्ट्रेलिया में उसकी एक मैसिव रेपो है हाँ थोड़ा अब एकदम से संजू सैमसन का नाम चल रहा है ट्रेंड बना हुआ है ट्विटर पे चलो अभी तो आज की टीम तो बात करेंगे मेरा ख्याल है संजू और पंत को होना चाहिए डीके आई फील लाइक दैट इतना बड़ा मेगा इवेंट है आई फील लाइक पंत एंड संजू सैमसन शुड बी प्रेफर्ड और ये स्काई वकाई को ये बताएं कि भाईजन मेहरबानी करें वैसे भी हर्षल पटेल और बुमराह इज फिट टू प्ले सिद्धार्थ शाह कह रहे हैं जी एबी डिविलियर्स पोलार्ड और पांड्या भी 24 गेंदों पे 80 हर बार नहीं बना पाते सर तो 24 गेंदों पे 50 तो बनाते हैं 55 तो बनाते हैं 60 तो बनाते हैं नहीं नहीं हर दफा तो नहीं बनता ना नहीं हर दफा नहीं 10 में से 4-5 दफा तो पोलार्ड छोड़े पांड्या तो बना लेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग नहीं हर दफा नहीं बनता मैं 5-4 दफा कह रहा हूँ नहीं 10 में से 5-4 दफा भी नहीं बनता 24 गेंदों पे 70 24 गेंदों पे 70 10 में से कोई एक दो बार 50 की बात कर रहा हूँ नहीं कल हमें 50 चाहिए ही नहीं था कल तो आपने खुद कल हमें जिस पोजीशन में ऊपर वाले छोड़ के गए हमें चार ओवरों में विदाउट विदाउट अ सिंगल डिलीवरी बीइंग बोल्ड उसमें एक उसमें फ्री हिट भी थी 10 रन थे आपके वाइड और नो के 10 रन उसके बाद आपने क्या किया भाईजान बात आपकी ठीक है एबी डिविलियर्स पोलार्ड एंड पांड्या पांड्या आजकल बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म में है देखिए उनके लिए भी मुश्किल होता अगर बोलते जनाब 24 गेंदे हैं आपके पास तो आपने 68 करना है बात वो करनी चाहिए जो हकीकत है दुनिया का जो सबसे बेहतरीन हिटर है आप उसके सामने भी ये लगा दें और बीच में एक ओवर हसरंगा का भी है तो आप फिर देख लीजिएगा कि वो कितनी दफा 10 में से कर पाएंगे लेकिन सवाल ये है कि ये नहीं है कि 24 में से ये 68 या 60 कर सकते हैं कि नहीं सवाल ये है कि वो लोग कौन थे बैट्समैन के जो इस पोजीशन में डाल के चले गए कि जो 15-16 ओवर खेल के रिजवान नहीं था बॉल नहीं रिजवान नहीं था मोहम्मद रिजवान था नहीं मोहम्मद रिजवान था तो ये चाचा इफ्तिखार तो मैं आपसे कहता था इससे नहीं होगा इससे नहीं होगा इससे नहीं होगा वो अपने लिए खेला है पाकिस्तान के साथ खेला है भाईजान 125 पे 9 आउट हो गए थे पाकिस्तान के 125 पे 9 तो एंड में जाके वो जो 20-22 रन है वो आखिरी विकेट वाले ने डाले हैं तो इससे भी आप सबक सीखें कि अगर आप थोड़ी सी गेंदे आप छोड़ जाएंगे जो आप गेंदे खाने का आपको इतना शौक है ऊपर वालों को ये बाबर को ये रिजवान को इवन फखर भी उसी कैटेगरी में आया हुआ है आजकल तो आप चौथे नंबर वाला भी आपके फेवरेट इफ्तिखार साहब भी तो आपके फेवरेट मैंने वैसे बोल दिया हाँ मेरे तो बहुत फेवरेट है तो ये अगर थोड़ी गेंदे छोड़ जाएंगे ना नीचे वालों के लिए तो आपके 11 और 10 वालों ने आपको पहले एक मैच जितवाया शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ अगर आप गेंदे छोड़ जाएंगे तो वो भी कुछ कर जाएंगे जब आप गेंदे नहीं छोड़ेंगे तो आपके जो नीचे वाले बैट्समैन है वो भी और बॉलर भी कुछ नहीं करेंगे कल गेंदे थोड़ी बच गई एंड पे क्योंकि आपने फिर ऊपर नीचे आउट हुए तो आपकी 125 से 147 तक आप चले गए तो दो दफा इसमें प्रूव हो गया ये पॉइंट एक शारजा वाले मैच में जो आप अफगानिस्तान से खेले और कल वाले भी जो 20-22 रन है आपके 11 और 10 नंबर वाला भी कुछ ना कुछ कर जाएगा अगर आप गेंदे छोड़ के जाएंगे तो जब आप गेंदे खाएंगे 50-50 और रन भी करेंगे 52-55 तो फिर वो क्या करेंगे यार कुछ तो उनको अपॉर्चुनिटी दो एनीवेज जी बहुत ही इन्होंने मायूस किया है इनकी बैटिंग अप्रोच में और हमने देखा है ऐसा नहीं है कि 170 मौसम भाई ने बिल्कुल सही बोला भाईजान 10 स्कोर तो उन्होंने पहले गिफ्ट दे दिया था पहले ओवर सर ओवर की बात ना करें विदाउट अ बॉल उसके बाद आपने वो ओवर खाया ओवर की बात ना करें टेक्निकली देवर चेजिंग 161 देवर चेजिंग 161 इन कंप्लीट 20 ओवर एंड दे आल्सो हैड अ फ्री हिट इन दैट फ्री हिट तो क्या किया आपने
देखिए पावर प्ले में वो बाबर से भी पूरा टूर्नामेंट ठंडा गया मोहसिन भाई। कल मौका अच्छा था और उसमें वो भी ऐसा लग रहा है डरा डरा सा खेल रहा है। पहले वो शॉर्ट मिड विकेट पे थोड़ा सर एटीट्यूड दिखा लें, एरोगेंस दिखा लें, स्टाइल मार लें, कप्तानी तो आदमी जानी चाहिए। 15 गेंदों पे 7 जस्टिफाइड है पावर सर। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ये तो रोज होता रहा है। आप नई बात बताएं ना, जब मैं ये चीखे मार रहा हूँ पिछले 2.5 साल से, आप मुझे बताएं तो सही। आप अभी भी देख लेना इंग्लैंड के खिलाफ ये थोड़ा बेहतर करेंगे लोग भूल जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया में हम जाके जलील खा रहे होंगे लोगों को याद आ जाएगा। आगे कोई राह भी नजर नहीं आ रही सर। राह है ना, फखर क्या कर रहा है उसको ओपनर भेजे वो वॉकिंग सर। राह है ना, राह है। जब तक आप ये म्यूजिकल चेयर नहीं बंद करेंगे ये राह रहेगी। रास्ता बंद करें। दीव अरोड़ा के जी हसरंगा को गलत अप्रोच से बॉलिंग हुई है यार। ऐसा लग रहा है कि ये बस उठ के आ गए, इनको पता ही नहीं है कि सर आपने मेन बॉलर क्यों नहीं लगाया जब हसरंगा आया। ओवर खाने दे आपने यार। बात ये 1000 चीजें हैं बताने वाली, ये किसी की समझ में नहीं आएंगी। मुसीबत ये है जब आप सच बोलते हैं ना तो लोगों को मिर्ची। या आप ड्रामेबाजी करें और काम करें, सच बोलेंगे लोगों के सर पे से गुजर जाएगा। देखो जब बैटिंग कर रहा था राजा पाक्सा तो ही वाज टेकिंग सम टाइम। हसरंगा ने आगे जिस तरह की बैटिंग शुरू की उसको भी वो भी चार्ज अप हो गया कि यार मैं तो सोच रहा था थोड़ा लंबा खेलेंगे एंड तक जाएंगे, छोड़ो एंड तक जाने का मारो। तो दोनों तरफ से सिलसिला शुरू हो गया। अगर आपने कैलकुलेटेड तरीके से बॉलिंग करवाई होती उसको हसरंगा को, अगर विकेट लेने की कोशिश करते आप यकीन करें उधर से विकेटें गिरती, राजा पक्षा भी स्लो होता। सर आपने पूरा टोटल चेंज करना था ना, वो भी स्लो। आप मैच इंटरेस्टिंग बना रहे थे, आप समझ नहीं रहे हैं। वो मैं वो बात ज़ाहिर है ट्विटर पे वो आलिया रशीद साहब का ट्वीट देख रहा था। उन्होंने पहले जब 5 आउट हो गए तो कुछ ऐसा ट्वीट किया कि क्या वन साइडेड मैच है, थोड़ा बोरिंग हो गया, साइड साइड दीजिए। फिर ऐसी फाइट दिया श्रीलंका ने कि मजा ही आ गया। तो हसरंगा भी तेज हो गया क्योंकि राजापक्सा भी, क्योंकि हसरंगा मार रहा था और वो अगर विकेट गिरती साथ में हसरंगा आउट होता या उसके बाद विकेट गिरती राजापक्सा भी पेस अपना जरा स्लो करता। विकेट्स कोई भी फॉर्मेट T20 साबित हो गया कि आप 50 पे 5 आउट या 60 पे 5 आउट करने के बाद भी अगर आप बिल्कुल केयरलेस किस्म की बॉलिंग करेंगे, विकेट्स के लिए नहीं जाएंगे तो आपको फिर भी 170 ठुकेगा। तो विकेट्स जो है वो हमने नहीं ली और एंड पे, और जब कैच छूटा तब तक वो रिकवरी अच्छी कर चुके थे। आपस की बात है, जब शादाब से कैच छूटा है ही वॉज क्लूलेस, और दूसरा जो कैच है तब भी छूटा है। नहीं उस वक्त रिकवरी इन अ वे थी कि आप 150 तक रोक जाते। वो उस वक्त भी रिकवरी उतनी नहीं थी 170 वाली। वो उसके बाद काम पड़ा है जो सारा पड़ा है शादाब के पहले ठुका और उसके बाद बीच में यूं जो घुसा ना सींग मारने यूं करके, तो वहां से काम खराब हुआ। हाँ जी अभिषेक रंजन खान जी रिकॉर्ड तोड़ दिया रिजवान ने जी, कोहली का जी मुबारक हो जी। रसलान खान जी कसम से मुझे ले लो टीम में अच्छा करेगा। वाह अरसलान खान, वाकई आप अगर कह रहे हैं तो ये एक एक बॉल से तो आप ज्यादा ही खेल लेंगे। खेलूंगा यार मैं भी खेल लूंगा, सही बात है। ये रन बॉल जो है ना मैं भी कर ही लूंगा। व्हाट इज दिस, इसी तरीके व्हाट इज दिस, रन बॉल हो ही जाता है। रन बॉल कर रहे हैं यार ऐसे टोक टोक टोक, मारो या आउट हो या बाहर जाओ दूसरों को मौका दो। कुलवीर सिंह जी 10 रन विदाउट एनी बॉल इन फर्स्ट ओवर एंड ओपनर स्कोर जस्ट 2 रन आफ्टर 6 डिलीवरीज, पैथेटिक अप्रोच जी। भाई जान आप तो वो 6 गेंदों को सोचने में, आपको कह रहा हूँ 6 ओवर के बाद भी उतना ही था, 7 ओवर के बाद भी रन बॉल था, 8 ओवर के बाद भी रन बॉल था, और आगे पता नहीं कितना एंड में जाके भी थोड़ी सी इन्होंने हिटिंग की है। और वरिंदर बरार कह जी अश्विन सेज माई फेवरेट रिजवान एंड मौसम, ये अश्विन ने क्या दिया अस्सलाम वालेकुम सस्या का लिखा है शायद, माय फेवरेट रिजवान है मौसम भाई, अश्विन पढ़ रही है, लव यू बोथ, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम सस्या काल नमस्कार, रिस कंडोलेंस फॉर योर अब्बा जान जी, थैंक यू जी, रिप आई लव यू गाइस, बोथ ट्राइड टू कांटेक्ट यू ऑन इंस्टा बट नो रिप्लाई, ओल्ड पास ऑन बोथ ऑफ यू, प्लीज पास नंबर जी कभी गुफ्तगू। अच्छा वरिंदर बरार साहब अगर आपने इसी नाम से किया, मैं तो बड़ा एक्टिव हूँ इंस्टा पे भी, मैं दोबारा देखता हूँ बरार साहब। हाँ तो मिस हो गया हो तो मैं कह नहीं कब किया ये नहीं पता। देखिए भेजिए मैसेज तो देखते हैं, आपका मैसेज नजर नहीं पड़ी होगी। बहरहाल जी पाकिस्तान सो मैनी क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। अभी आज जैसे इंडिया की टीम है वो मौसम भाई से राय पूछेंगे कि क्या समझते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है बाहर। पाकिस्तान के लिए अभी एक तो ऊपर की जो हमारी अप्रोच है ये एक्सपोज्ड हो गई है, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर।
आप ऑस्ट्रेलिया में इस तरह रन बॉल 14-15 ओवर खेल नहीं सकते आप वहाँ पे, आपने कहीं पे भी नहीं खेल सकते ऑस्ट्रेलिया में क्या वैसे। तो ये आपकी जो 6.5-7 के रन रेट से आप ऊपर के 12-13 ओवर खा के जा रहे हैं, ये एक दफ़ा फिर एक्सपोज हो गया। कल वो लिफ्ट में जब नीचे जा रहे थे तो चलो वो लंबी बात हो जाएगी, जो स्टेडियम की बात कर रहा था। बहरहाल इट्स नॉट वर्किंग। आप और नीचे वालों को भी वो भी कहीं ना कहीं हक बजानब है अपनी बात कर। मेरी सिंपथीज जो है नंबर 5, 6 और 7 के साथ है, जो अगर वो नहीं परफॉर्म कर सकते, क्या आप उनको हर मैच में उसी पोजीशन पे भेजते हो, उसी पोजीशन पे कि जहाँ पे उनको 12-14 की रन रेट चाहिए, कोई थोड़ा सा उनको जरा ब्रीदिंग स्पेस दो। जैसे आप ऊपर आके देखते हो पिच ठीक है, ये ठप्पा इधर आ रहा है, ये मज़े की बाउंस है, ये है, तो थोड़ी 2-3 गेंदें उनके लिए भी छोड़ जाया करो ताकि वो भी आके ज़रा पिच देख लें कि हाँ भाई ठीक है, या पहली गेंद से ही वो उनका मारने का यही आपने देना है उनको। शनाका आईपीएल और पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं है जनाब ग्रेट पीटर जी शशि कुमार, पूछ के बताते हैं आईपीएल बीसीसीआई और पीसीबी से। एक्चुअली देयर आर सो मेनी प्लेयर्स जो के लीग्स में की नज़रों से ज़रा ओझल रहते हैं, बट दे आर एक्चुअली वेरी गुड और ही इज़ वन ऑफ दोस। तो भाईजान बताइए आपकी निगाह में क्या हो रहा है टीम इंडिया में, कौन आ रहा है कौन जा रहा है? देखें हुदा फ्लॉप हो गया, बुरी तरह एक्सपोज हो गया फारिक, डीके विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन देखो हुदा को इन्होंने उसके नंबर पे नहीं भेजा और ना उसे बॉलिंग करवाई है। सर फिर अब आप रोहित को निकाल दें, विराट को निकाल दें, केएल को निकाल दें, संजू को निकाल दें, पंत को निकाल दें, हार्दिक को निकाल दें। संजू तो पहले निकला हुआ है, वो तो पहले कान था संजू नहीं स्काई यार। अच्छा नहीं देखो ठीक है, मेरी नजर में देखे जी, मेरी नजर में जो टीम इंडिया बन रही है ना वो है बुमराह अंदर आएगा, ठीक है, दो कीपर रखने हैं संजू और पंत होंगे, डीके आउट, हुदा आउट, मैं समझता हूँ आपने ठीक है, मैं अक्षर को रखूंगा इन प्लेस ऑफ जडेजा, ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, अश्विन बाहर हो जाएगा, मैं रवि बिश्नोई को अंदर लाना चाहूंगा हर सूरत में, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, मैं आपको बता रहा हूं एट प्रेजेंट जंपा विकटें ले रहा है, उसे खिला रहे हैं, अगर आप खिलाएंगे बिश्नोई को यार मैं हैरान हो गया। रिजवान फास्ट बॉलिंग क्या फास्ट बॉलिंग हर्षदीप भुवनेश्वर बुमराह हर्षल पटेल हार्दिक पांड्या और दीपक चाहर, ये तो फिर स्क्वाड कोई 18 कोई बनेगा, 18 ही जाते हैं ना आजकल तो, नहीं नहीं 15 हर कोई 15 ना 15 तो इन हालात में नहीं होने चाहिए, और अगर ये है तो फिर शॉर्ट करना है तो मैं कर देता हूं आपको शॉर्ट, हर्षदीप बुमराह भुवनेश्वर दीपक चाहर, चार फास्ट बॉलर पांचवा इनके साथ वो है क्या नाम है हार्दिक पांड्या, अभी ठीक है बुमराह का नाम लिया आपने जी, बुमराह के बगैर कैसी टीम, बुमराह हर्षदीप भुवनेश्वर और बुमराह हर्षदीप भुवनेश्वर दीपक और हार्दिक पांड्या, दीपक चाहर को जी जी दीपक दीपक चाहर भुवनेश्वर कुमार हर्षदीप और बुमराह और दीपक, आप हर्षल पटेल को लाना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ दीपक उससे ज्यादा इकोनॉमिकल है, उससे ज्यादा अच्छी बैटिंग कर लेता है। हाँ लेकिन देखें अभी इंडिया की जो फर्स्ट चॉइस था वो हर्षल पटेल ही था, बीच में वो इंजर्ड हो गया तो इसलिए बाहर हुआ। सर मार तो खाता रहा ना, गलत है, गलत फर्स्ट चॉइस है ना आपकी, बात यह है कि वो आपकी फर्स्ट चॉइस है, मैं अपनी टीम बना रहा हूं, मेरे इस नजर में मेरी जो थोड़ा बहुत एज ए स्टूडेंट ऑफ द गेम रीडिंग है वो कहती है दीपक विल बी मोर सक्सेसफुल। अच्छा जी ये डिसूजा साहब कह रहे हैं वो तो होटल की पार्किंग में आ गए हैं, तो आप अच्छा ऐसा है कि आप लॉबी में आ जाइए, आप लॉबी में बैठे हम आते हैं एक दो मिनट में, हाँ ये वीडियो बस सेंड कर रहे हैं तो अभी आप कोई किस चले आप आके खुद ही हमें आप पहचान लीजिएगा, हम मिल लेंगे। चलें जी मिलते हैं आपसे। सोब्स वर्ल्ड कर रही है रिजवान भाई एंड मौसम भाई, व्हाट वुड बी योर आइडियल वर्ल्ड कप 11 जी फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब, आई प्रे फॉर 1 मिलियन वेरी सून। थैंक यू वेरी मच जी, बता देंगे, वी विल बी, आज टीम अनाउंस आपकी होगी तो बता देंगे फिर, अब फायदा नहीं है बताने का। बहरहाल जी इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही देखें, पाकिस्तान फाइनल में वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाया, लेकिन इंडिया को भी फाइनल तक पहुंचना चाहिए था और शायद जीतना भी चाहिए था। True. और एट द एंड ऑफ द डे चलो जो टीम अच्छा खेली है, बड़े दिल से खेली है, जो डिजर्व किया है और उन्होंने अगेंस्ट द ऑड टॉस हार के भी जीता है, उनको लिए हमारी मुबारकबाद है। कल रात वाली वीडियो में काफ़ी इंडियन श्रीलंकन और पाकिस्तानी फैंस के रिएक्शन भी मौजूद है, लंबी वीडियो थी 80 मिनट की, तो आप वो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो, जैसे ये फिर टीम वगैरह अनाउंस कुछ होती है हाँ शाम को आते हैं, फिर अपडेट जैसे ये होगा तो फिर हम आएंगे, फिर आपसे होगी मुलाकात, तो आपकी मर्जी है। देखिए आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए, एक्चुअली मैं खुद भी जब वीडियो देखता हूँ
तो मेरी भी आदत है कि एकदम से लाइक नहीं करता, लेकिन जैसे ही जो बंदा जिसकी वीडियो हो वो बीच में बोलता जी वीडियो लाइक करिएगा, तो फिर मुझे एकदम से याद आता है वीडियो लाइक भी करना है। तो ये आपको बाय फोर्स नहीं कह रहे होते, आप बाय रिक्वेस्ट कह रहे हैं, रिक्वेस्ट, और आपको सिर्फ रिमाइंड करवाना होता है कि जी ये काम भी करना है। चले जी रिजवान साहब, पैकिंग भी करनी है, कपड़े सारे हल्दी तरह पहन, अपना ख्याल रखिए, फिर आपसे इंशाल्लाह लव यू ऑल, मुलाकात होगी। दुबई से बस दो तीन सलाम रह गए आपसे, और फिर पाकिस्तान से सलाम जवाब होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।